नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आपका स्वागत करती हूं मेल बिहार में। आजकल प्राइवेट नौकरी करने वालों की सबसे पहली चॉइस सैलरी को लेकर रहती है कि उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी। जब लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो पहली जॉब लगती है और ये पहली सैलरी मिलते ही वो बहुत खुश दिखते हैं। हम खुशी में कई बार वह बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पैसा खर्च किया जा रहा है वो सही भी है या नहीं। अगर आप भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा मानने की भूल कतई न करें। ये नौकरी हमेशा बरकरार रहेगी। अगर कंपनी आपको अचानक नौकरी छोड़ने का नोटिस थमा दे तो आप क्या करेंगे? हम बताते हैं आपको वो 5 काम जो कि आपके बुरे वक्त में भी आपको काम देगा। सबसे पहले आता है सैलरी बैकअप तैयार करना। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो सबसे पहले इस बात का अंदाजा लगाएं कि अगर आपकी नौकरी चली गई तो नई नौकरी ढूंढने में आपको कितना वक्त लगेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें 4 से 6 महीने का वक्त अपने हाथ में लेकर चलना चाहिए, यानी आपको 4 से लेकर 6 महीने का सैलरी बैकअप तैयार करना होगा। दूसरा है, फैमिली के लिए करें प्लान। प्राइवेट नौकरी करने वाले हर शख्स के लिए दूसरा सबसे जरूरी स्टेप है टर्म इंश्योरेंस। आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार का क्या होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर कैसे चलेगा? इस बात को ध्यान में रखते हुए हर नौकरी पेशा करने वाले शख्स को कोई ना कोई टर्म प्लान जरूर करना चाहिए। तीसरा है, PPF से फंड बनाएं। PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकारी योजना है और इसमें एक समय बाद रुपए बेहद तेज रफ्तार से बढ़ते हैं। इस खाते को आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। इसमें मौजूद इंटरेस्ट रेट 7.6% है। यह हर तिमाही रिवाइज होता है। इसमें आप केवल 15 साल तक ही पैसे जमा कर सकते हैं। चौथा है, मेडिकल इंश्योरेंस कराएं। आजकल बड़े अस्पताल में इलाज कराना किसी के लिए आसान नहीं है। मेडिकल पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कम कमाने वाले और उनके परिवार को भी महंगे से महंगे अस्पताल में इलाज कराने का सुविधा मुहैया कराता है। और सबसे आखिरी में आता है, फिजूल खर्ची से बचे। एक्सपर्ट के अनुसार प्राइवेट नौकरी करने वाले हर किसी को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार इन्हें फिजूल खर्चियों की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आशा है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए मेल बिहार के साथ बने रहें।